जय हिंद दोस्तों, यूपीएससी या आईएएस एग्जाम की प्रिपरेशन के दौरान मैप्स और एटलस का बहुत ही इंपॉर्टेंट सिग्निफिकेंस है। आपको लगेगा कि शायद सिर्फ ज्योग्राफी से रिलेटेड है ये। नहीं, जब आप करंट की चीजें पढ़ रहे हो, न्यूज़पेपर पढ़ रहे हो, तो बहुत से नेशनल इंटरनेशनल इश्यूज से रिलेटेड जो न्यूज़ हैं, जो भी कंटेंट है, उसकी डीप अंडरस्टैंडिंग के लिए, कोई भी चीज़ अगर आप पढ़ रहे हो उसकी डीप अंडरस्टैंडिंग के लिए मैप्स और एटलस को आपको अच्छे से पढ़ना आना चाहिए। इसके बिना आपकी प्रेपरेशन बहुत अधूरी है। जिस लेवल की प्रेपरेशन आप मैप्स और एटलस की एड के साथ कर सकते हो, उस लेवल की प्रेपरेशन इनके बिना नहीं कर पाओगे। सो आज के सेशन में हम समझेंगे कि किस तरह से हमें मैप्स और एटलस को अपनी प्रेपरेशन के दौरान यूटिलाइज करना है और क्या कुछ ट्रिक्स हैं जिसके थ्रू आप बहुत सी चीज़ों को अच्छे से याद कर सकते हो। इसकी हेल्प से आप बहुत सी चीज़ों को इमेजिनेशन के थ्रू एक पिक्टोरियल फॉर्म में बहुत अच्छे से रिटेन कर सकते हो। सो सबसे पहले हम बात करते हैं एक इम्पॉर्टेंट रूल जो आपने अपनी प्रेपरेशन के दौरान बनाना है। वो इम्पॉर्टेंट रूल है कि जब भी आप न्यूज़पेपर पढ़ रहे हो या कोई भी बुक पढ़ रहे हो, तो उसको आपने एक्सक्लूसिवली नहीं पढ़ना है। आप एक रूल बना लो कि आपके स्टडी टेबल पे, चाहे आप न्यूज़पेपर पढ़ रहे हो चाहे बुक पढ़ रहे हो, आपका मैप, बुक या जो आपकी एटलस है वो होनी चाहिए। कहीं भी आपको कोई एक ऐसी चीज मिलती है जो कि आपको लगता है कि मुझे एक बार मैप पे इसको देखना है, एटलस खोल के इसको देखना है, तो आपके पास वो रेडिली अवेलेबल होनी चाहिए। ये नहीं होना चाहिए कि अभी मैंने मार्क कर दिया, मैं बाद में देखूंगा। ये हमेशा आपके स्टडी टेबल पे रहेगी। चाहे आप हिस्ट्री पढ़ रहे हो, पॉलिटी पढ़ रहे हो, बट इसको अपने स्टडी टेबल पे हमेशा रखो। अब हम सबसे पहले समझते हैं कि जब हम न्यूज़पेपर रीडिंग कर रहे हैं तो किस तरह से हमें आर्टिकल्स पढ़ने के साथ साथ एटलस को रेफर करना है और ये किस तरह से हमें डीप अंडरस्टैंडिंग में हेल्पफुल रहेगा। अब ये एग्जाम्पल के तौर पर मैंने आपके सामने आर्टिकल रखा है। ये एक पुराना आर्टिकल है जिसका टाइटल है इंडिया एंगेजेस विद ईरान टू कीप स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज सेफ। अब अगर आपको स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज के बारे में बिल्कुल नहीं पता है, तो आप अगर इस न्यूज़ को पढ़ डालोगे और ये सोचोगे कि इस न्यूज़ का आपको बेनिफिट हो गया, तो कोई बेनिफिट नहीं हुआ है। अनलेस एंड अंटिल आप डीपली इस चीज़ को समझो कि स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज क्या है और इंडिया के लिए उसका क्या सिग्निफिकेंस है और ईरान से वो कैसे रिलेटेड है। तो जब आपने ये आर्टिकल पढ़ लिया तो आपको पता है कि हाँ, स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज का कहीं ना कहीं ईरान से रिलेशन है। तो मैं एक बार मैप पे इसको देखूं कि क्यों ये इतना सिग्निफिकेंट है। अब आपने जब मैप खोला तो एशिया का मैप देखा, आपने देखा कि ईरान यहाँ पे है। तो अब आप इससे आगे फर्दर वो मैप खोलोगे जो कि उस एरिया को अच्छे से डिटेल्ड वे में आपको दिखा रहा है। अब ये वो डिटेल्ड मैप आ गया उस एरिया का। अब आप यहाँ देख रहे हो कि यहाँ ईरान है, सऊदी अरेबिया है, यूएई है, ओमान है। ये जो एरिया आप देख रहे हो ये भी ओमान का ही है। तो अब यहाँ पे आप कुवैत भी देख रहे हो। तो अगर आप देखो, ये सारे के सारे जो कंट्रीज हैं इस एरिया के अंदर, ये बहुत ज़्यादा ऑयल और नेचुरल गैस प्रोड्यूसिंग कंट्रीज हैं। यहाँ से बहुत से शिप्स जो हैं फुल होके, ऑयल और नेचुरल गैस से फुल होके यहाँ पे पास करते हैं इंडियन ओशन के अंदर। तो अगर आप देखोगे तो यही एक आपको रास्ता दिखेगा और इसी का नाम है स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज, जिसका उस आर्टिकल में जिक्र था। अब आप इस रास्ते को देख के मैप पे इसका सिग्निफिकेंस समझ जाओगे कि ठीक है, इतने सारे जो शिप्स हैं ऑयल और नेचुरल गैस के, वो यहाँ से पास करते हैं। और जब आप और डिटेल में जाओगे तो आपको पता चलेगा कि वर्ल्ड में जो ऑयल और नेचुरल गैस की सप्लाई होती है उसका एक बहुत ही सिग्निफिकेंट प्रोपोर्शन जो है वो यहाँ से पास करता है। तो यहाँ पे ईरान जो है 12 नॉटिकल माइल्स तक अपनी ओनरशिप क्लेम करता है, इधर से ओमान 12 नॉटिकल माइल्स तक अपनी ओनरशिप क्लेम करता है। जो स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज का जो नैरोएस्ट पार्ट है वो है 22 नॉटिकल माइल्स लंबा। तो आप देख रहे हो 12 उधर से, 12 उधर से, तो कहीं ना कहीं ईरान इस एरिया के ऊपर अपना एक कंट्रोल दिखाता है कि ठीक है, यहां से जो भी शिप्स पास करते हैं उस पर मेरा कंट्रोल है। सो अब आप बहुत अच्छे से रिलेट कर सकते हो कि क्योंकि ईरान इस एरिया पे अपना कंट्रोल क्लेम करता है, सो स्ट्रेटेजिकली ये एरिया बहुत ही इंपॉर्टेंट हो जाता है। यहाँ पे आप कतर जैसा कंट्री भी देख रहे हो। सो ये एक बहुत ही इंपॉर्टेंट एरिया है अगर आप इंटरनेशनल रिलेशंस के नजरिए से बात करो। सो अब इससे रिलेटेड, इस एरिया से रिलेटेड कोई भी न्यूज आएगी, स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज से कोई भी न्यूज आएगी रिलेटेड, तो आपको बहुत अच्छे से विजुअलाइज हो जाएगा। आपको बार बार खोलनी भी नहीं पड़ेगी, एक बार आपके दिमाग में ये मैप बैठ जाएगा। ज्यादा से ज्यादा 2-3 बार आपको देखना पड़ेगा, उसके बाद आपको बार बार देखना नहीं पड़ेगा और बहुत जो चीजें आप पढ़ोगे वो आपको विजुअलाइज होती चली जाएंगी, स्टोरी की तरह आपके दिमाग में बैठती चली जाएंगी, अदरवाइज आपको क्लैरिटी नहीं होने वाली है।
अब एक और एग्जांपल से समझते हैं कि किस तरह से न्यूज़पेपर रीडिंग के दौरान आप एटलस से रिलेट करके चीजों की अंडरस्टैंडिंग और रिटेंशन को बेटर कर सकते हो। ये न्यूज है, वेसल रन्स एग्राउंड ब्रीफली ब्लॉकिंग पार्ट ऑफ स्वेज कनाल। अब अगर आपने स्वेज कनाल के बारे में पढ़ा हुआ है पहले भी, बट उसको कभी भी अच्छे से एटलस खोल के मैप पे लोकेट नहीं किया, तो इस न्यूज की अंडरस्टैंडिंग अच्छे से नहीं होने वाली है, इसका सिग्निफिकेंस नहीं समझ आने वाला है, और आगे इससे रिलेटेड जो भी न्यूज आएगी उसको अच्छे से अंडरस्टैंडिंग उसकी करना या उसका विजुअलाइजेशन करना वो पॉसिबल नहीं हो पाएगा। अब इस न्यूज को अब हम पढ़ रहे हैं, तो इसमें लिखा हुआ है अ बल्क कैरियर वेसल बिकेम वेस्ट ऑन थर्सडे इन इजिप्ट स्वेज कनाल। अब हमें समझ आ गया कि इजिप्ट के अंदर है स्वेज कनाल, तो अब हम अपने एटलस खोलेंगे, पहले इजिप्ट को हम लोकेट करेंगे, हमने लोकेट कर लिया, अब हमें यहाँ कहीं स्वेज कनाल नहीं दिख रहा है, तो हम एटलस में वो मैप खोलेंगे जो इस एरिया का डिटेल्ड मैप होगा। सो अब हम इसको जूम करते हैं, इस एरिया को, इसको हमने जूम किया तो यहाँ हमें अब दिख गया है कि लिखा हुआ है स्वेज, यहाँ पे इजिप्ट है, ये पूरा आप इजिप्ट देख रहे हो, ये भी इजिप्ट का पार्ट है, ये इसराइल है। तो अब हम आगे देखेंगे कि कनाल कहाँ पे है, तो उसके लिए हमें फिर इसको आगे जूम करना पड़ेगा, इस एरिया की और डिटेल में जाना पड़ेगा। अब यहाँ गए हैं तो यहाँ अब आप देख रहे हो कि स्वेज लिखा हुआ है, और ये जो एक सर्कल किया हुआ पार्ट है इसको ही बोलते हैं स्वेज कैनाल। अब आप ध्यान से इस कैनाल की अगर लोकेशन देखो मैप पे, और अगर हम पिछले मैप पे जाएं, यहां आप देख रहे हो मेडिटेरियन सी और यहां आप देख रहे हो रेड सी। अब इनके बीच में कनेक्टिविटी हमें कहां से दिखी है, यहां से, जब हमने इसको जूम किया, ये देखो यहां से आपको कनेक्टिविटी दिख रही है, और उसके बाद हमने जब आगे और जूम किया तो यहां से हमें इसकी कनेक्टिविटी दिखी। तो इस एरिया का अपने आप में सिग्निफिकेंस आपको समझ आ गया कि ये इकलौता एरिया है, शॉर्टेस्ट एक रूट है जो मेडिटेरियन सी और रेड सी को कनेक्ट करता है। तो आपको अब न्यूज बहुत अच्छे से समझ आएगी, इससे रिलेटेड जो आगे चीजें पढ़ोगे वो भी बहुत अच्छे से समझ आएंगी। एशियन कंट्रीज मैंने दिखाई हैं कुछ एक, अब इस मैप को दिखाने का क्या मतलब है, अभी आप देख रहे हो न्यूज में अफगानिस्तान बहुत ज्यादा आ रहा है, जब कोई कंट्री को लोकेशन डेली बेसिस पे आप न्यूज में पढ़ रहे हो, बहुत ज्यादा न्यूज में है, तो उसकी लोकेशन, उसकी नेबरिंग कंट्रीज कौन सी हैं, क्या है उसके आसपास, वो सब चीजें आपको अच्छे से पता होनी चाहिए, बेसिकली मैप आपके दिमाग में छप जाना चाहिए, सो डैट उससे रिलेटेड जब आप कोई आंसर लिखोगे या उससे रिलेटेड आर्टिकल पढ़ रहे हो तो बहुत डीप अंडरस्टैंडिंग के साथ लिखोगे या पढ़ोगे, एक मैच्योरिटी से भरा हुआ आंसर लिखोगे। सो हम अफगानिस्तान को यहाँ पहले लोकेट करते हैं और उसके बाद देखते हैं कि कौन कौन सी नेबरिंग कंट्रीज हैं। इधर आप देखो इतना बड़ा बॉर्डर लग रहा है पाकिस्तान के साथ, इधर लग रहा है इतना बड़ा बॉर्डर ईरान के साथ, इधर तुर्कमेनिस्तान के साथ, यहां आप देखोगे थोड़ा सा उज्बेकिस्तान के साथ, काफी बड़ा बॉर्डर लग रहा है ताजिकिस्तान के साथ, और बहुत ध्यान से देखोगे तो थोड़ा सा बॉर्डर आपको इधर चाइना के साथ भी दिखेगा, ये चाइना है, और यहां और ध्यान से देखोगे तो आपको थोड़ा सा बॉर्डर इंडिया के साथ भी दिख रहा है। सो नेबरिंग कंट्रीज कितनी हो गई हैं, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 सात कंट्रीज हैं जो नेबरिंग कंट्रीज हैं अफगानिस्तान की, और ध्यान से अगर आप देखो तो पूरा का पूरा ही अफगानिस्तान कंट्री लैंड लॉक्ड कंट्री है, कि मतलब कोई भी सी इसके साथ नहीं लगता है, कोई भी रास्ता नहीं है किसी भी बड़े सी या छोटे सी तक अप्रोच करने के लिए, मतलब इसी वजह से जब आप देख रहे थे कि इतना बड़ा जमावड़ा लग गया था काबुल इंटरनेशनल एयरपोर्ट पे, कि जो लोग कंट्री छोड़ना चाहते थे उनके पास सिवाय एयरपोर्ट के कोई रास्ता नहीं था, कोई सी पोर्ट नहीं था, अगर इसके साथ कोई सी लग रहा होता तो आप देखते हैं कि काफी जमावड़ा वहां लग जाता, बहुत से लोग वहां से निकल जाते, तो इसी वजह से आप देख रहे थे कि इंटरनेशनल एयरपोर्ट पे इतनी ज्यादा भीड़ थी। अब इसके बाद अब मान लो आप अपनी ज्योग्राफी पढ़ रहे हो, बुक पढ़ रहे हो ज्योग्राफी की, या आपने न्यूज में कोई रिवर आपने देखी कि इस रिवर को मैं अब मैप पे लोकेट करूं, तो करना क्या, आपने अपने एटलस खोलनी है, उस एरिया का जो बड़ा डिटेल्ड मैप है वो खोलना है, और उस पर्टिकुलर रिवर का जो रास्ता है उसको आपने हाइलाइटर लेके हाईलाइट कर लेना है, जो काफी जो मेजर रिवर्स हैं उनको तो आपने ऐसे हाईलाइट कर ही लेना है। फॉर एग्जांपल हम गंगा रिवर देखते हैं, अब गंगा रिवर आप देखोगे कहाँ से ओरिजिनेट हो रही है, उत्तराखंड में ही ओरिजिनेट हो रही है, गंगोत्री ग्लेशियर से, गौमुख से ओरिजिनेट होती है, तो आप इसका रास्ता बड़े ध्यान से यहाँ से हाईलाइट करना शुरू करो, इस तरह से मैं यहाँ पे रफली इसको फॉलो कर रहा हूँ। अब आप देख रहे हो उत्तराखंड से ये कहाँ एंटर कर गई, उत्तर प्रदेश में, तो आपने धीरे धीरे इसको फॉलो करते जाना है, जो जो सिटीज से होती जा रही है वो आपके ऑटोमेटिकली हाईलाइट होते चले जाएंगे। अब इधर से ये कहाँ एंटर कर गई, बिहार में, तो उसके बाद साथ में आप अपना लिखते चले जाओ कि ठीक है पहला जो है उत्तराखंड है, उसके बाद उत्तर प्रदेश है,
उसके बाद बिहार है, मतलब जिन जिन स्टेट्स में ये एंटर कर रही है, क्योंकि ऐसे क्वेश्चंस बहुत आ जाते हैं कि किन किन स्टेट्स से ये रिवर पास होती है नहीं होती है, तो आपको पता होना चाहिए। जब तक आप इस चीज़ को लोकेट नहीं करोगे, रट्टे नहीं मारने, इन चीज़ों को विजुअलाइज करना बहुत ईजी हो जाता है आपको रिटेन करना। रट्टे मारोगे तो कहीं ना कहीं मिस कर जाओगे चीज़ें। यहाँ बिहार में एंटर करने के बाद थोड़ा सा पार्ट इसका झारखंड में थोड़ा सा एंटर करती है, बिल्कुल थोड़ा सा, और उसके बाद फिर वहाँ से बाहर निकल के आगे आप देख रहे हो वेस्ट बंगाल में, और उसके बाद अल्टीमेटली जो है वेस्ट बंगाल में ये एंटर कर जाती है। सो आप देख रहे हो इधर बिहार, झारखंड और वेस्ट बंगाल। तो आपने ये कीवर्ड्स लिख लिए। अब इन कीवर्ड्स को यूज़ करके आप दिमाग में एक स्टोरी इमेजिन करो जिसमें गंगा रिवर को आप कहीं ना कहीं सेंटर में रखो, सो डैट आपको पता हो कि जैसे गंगा रिवर का मेंशन हुआ आपके दिमाग में वो विजुअलाइजेशन स्टार्ट हो जाए, एक सीक्वेंस में स्टार्ट हो। यू से आपने कुछ रिलेट कर लिया, यूपी से फिर रिलेट कर लिया, बी से कुछ और कर लिया, जे से कुछ कर लिया, डब्ल्यू बी से कुछ और कर लिया। अब वो स्टोरी आपके दिमाग में विजुअलाइज होगी, एक सीक्वेंस में आपके दिमाग में सीन्स आएंगे जो आपने बना रखी होगी अपने दिमाग में, और आप बहुत अच्छे से सीक्वेंस लिख डालोगे। इससे आपको सीक्वेंस भी पता चल गया कि पहले कौन सी स्टेट में और फिर किस स्टेट में, और आपको ये भी पता चल जाएगा कितनी स्टेट से पास होती है और किस किस स्टेट से पास होती है। सो इस तरह की ट्रिक्स आपको यूज करनी है, मैप को आपको इस तरह से यूटिलाइज करना है। अब हम आते हैं एक और एग्जाम्पल पे। कई बार आप इस टाइप के क्वेश्चन देखते हो कि इक्वेटर इस कॉन्टिनेंट के किस किस कंट्री से पास होता है, या इनमें से किस कंट्री से पास नहीं होता, कितनी में से पास होता है। तो अगेन वही ट्रिक हम दोबारा लगाएंगे। अब ये एक मैप है, यहाँ आप देख रहे हो इक्वेटर है, आप देख रहे हो कि अफ्रीका के इन इन कंट्री से पास होता है। अब हम इसका थोड़ा डिटेल्ड मैप देखते हैं, इसको जूम कर लेते हैं। तो अब हमने देखा कि एक गैबोन, रिपब्लिक ऑफ कॉन्गो, डेमोक्रेटिक रिपब्लिक ऑफ कॉन्गो, देन युगांडा, कीनिया, सोमालिया। So, कितनी कंट्रीज हो गई, 1, 2, 3, 4, 5, 6, सिक्स कंट्रीज से पास करता है। ऐसे ही आपके इनके कीवर्ड्स आ जाएंगे, जी आ गया, फिर आपका रिपब्लिक ऑफ कॉन्गो आ गया, फिर आपका डेमोक्रेटिक रिपब्लिक ऑफ कॉन्गो आ गया, युगांडा आ गया, कीनिया आ गया, सोमालिया आ गया। सो इससे रिलेट करके आप कोई भी फनी स्टोरी बना सकते हो अपने दिमाग में, विजुअलाइजेशन बना सकते हो, सो डैट जब भी इससे रिलेटेड कोई चीज आएगी आप साथ के साथ विजुअलाइज कर लोगे। तो दोस्तों इसी तरह से जब आप ज्योग्राफी पढ़ते हुए देखते हो कि साउथ इंडिया की ये सबसे बड़ी पीक है, या इस स्टेट की ये सबसे बड़ी पीक है, या ये हाईएस्ट वाटरफॉल है, या कोई एक आप सिटी देख रहे हो जो बहुत ज्यादा न्यूज में आ रहा है उसको लोकेट करो, कोई रिवर देख रहे हो आप किसी कंट्री की वो न्यूज में आ रही है किसी वजह से उसको लोकेट करो। हर चीज को आपको इस तरह से लोकेट करते चले जाना है, बट इसका मतलब ये भी नहीं है कि छोटी मोटी चीज को भी लोकेट करते जा रहे हो। आपको विद टाइम समझ आना स्टार्ट हो जाएगा कि किन किन चीजों को आपको लोकेट करना है और किन को नहीं करना है। सो आज से अपना एक रूल बना लो कि जब भी आप कोई भी बुक पढ़ रहे हो प्रिपरेशन के दौरान, या आप अपना न्यूज़पेपर पढ़ रहे हो, तो आपकी एटलस आपके पास अवेलेबल होनी चाहिए। बाय चांस अगर अवेलेबल नहीं है तो आप अपना मोबाइल खोलो, तो वहां पे आप सर्च करो मैप, ऑनलाइन सर्च कर लो, सो डैट साथ के साथ आपको चीजें क्लियर होती चली जाएं। सो फ्रेंड्स, आई होप आज के सेशन से आपको मैप्स और एटलस को कैसे यूटिलाइज करना है ये बिल्कुल क्लियर हो गया है, और आज का सेशन आपके लिए काफी हेल्पफुल रहेगा। ये नहीं है कि सिर्फ यूपीएससी वालों के लिए, और भी लोग जो गवर्नमेंट कॉम्पिटेटिव एग्जाम्स की प्रेपरेशन कर रहे हैं उनके लिए भी आज का सेशन हेल्पफुल रहेगा। सो फ्रेंड्स, वी विल मीट सून विद अनदर इंपॉर्टेंट सेशन। टिल देन कीप वर्किंग हार्ड एंड स्टे फिट एंड हेल्दी। जय हिंद।